वन ऑफ द शीला देवी। चुनाव का मुद्दा क्या है, जनता के बीच जा रही हैं, किस मुद्दा को लेकर? जनता के मुद्दा ये है कि इस गांव में ना नली है, ना गली है, ना रोड है, ना लाइट है। आप चुनाव में आई हैं, तो क्या अगले मुखिया से आप संतुष्ट नहीं थी, इसके वजह से चुनाव आई हैं? नहीं, जनता को हमको बहुत वोट मिल रहे हैं जी। पिछला बार हम 3 वोट से हार रहे हैं, तो हार जीत तो भाई अल्लाह के सवाल है, जो अखाड़ा में कूदेगा एक आदमी जीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं, महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या सोच, महिलाओं के लिए यदि चुनाव जीतती हैं आप, सबसे पहला क्या करेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, यहाँ तो पहला है कि महिला सीट है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि महिले काम करें। अगर मैं जीतूंगी तो खड़ा होकर स्वयं हम काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, पति के पास नहीं जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो महिलाओं की बात कर लिए, बात करते हैं अब शिक्षा की। शिक्षा मिल रहेगा तभी तो साक्षरता बढ़ेगी। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा आपके पंचायत में जहाँ देखते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं विद्यालय का अभाव, तो कहीं मतलब शिक्षित नहीं हो पाते हैं यहाँ पे बच्चे, और कहीं टीचर भी नहीं रहते हैं, तो कहीं कुछ कई चीज़ें देखने को मिलता है। यदि आप मुखिया बनती हैं तो क्या कहेंगी अपने पंचायत के मतदाताओं से शिक्षा को लेकर? यदि हम मुखिया बनने का हमको मौका देंगे जनता, तो जहाँ जहाँ स्कूल हैं हर स्कूल में हम जाएंगे, जरूर अपने से जाएंगे, वहाँ पहले चेक करेंगे कि पढ़ाई बच्चन के ठीक से हो रहा है कि नहीं। यदि ठीक से पढ़ाई होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो तुरंत हम कंप्लेन करेंगे। ऐसे में देखने को ये भी मिला है कि महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या सोच, जैसे आत्मनिर्भर भारत नारी सशक्तिकरण प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसके जरिए महिलाओं को कितना जागरूक कर पा रही होंगी, क्या कह रही होंगी, क्योंकि चुनाव भी महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के बीच जाती होंगी, क्या मुद्दा लेके जाती होंगी महिलाओं के बीच? देखिए, महिला के बीच में तो हम जाते हैं और महिला से ये कहते हैं कि देखिए यहाँ महिला सीट है और महिला के चुनिए, पहले महिला वो होके कि कम से कम वीडियो से भी बात कर सके, पति के वहाँ जाने नहीं पड़े। पति जाते हैं तो काम गड़बड़ होता है, ऐसे कि देखिए महिला तो बटले बा, महिला 5 साल हम लगातार हम फील्ड में रह गए, हारला के बाद 3 वोट से हारे, इसके बाद में हम 5 साल लगातार बीच में रहे, फील्ड में रह गए समाज के, कि भाई समाज में यदि हम मेहनत करेंगे तो जनता हमको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो जनता के घर घर में तो यह आवाज़ उठ रहा है कि नहीं, अभी अगर शीला के मुखिया बनाएंगे तो शीला हमको ईमानदारी पूर्वक से लागू करेंगे। अच्छा, अभी नीतीश कुमार का ड्रीम योजना है, अच्छा, नल जल योजना, अच्छा, धरातल पर कितने प्रतिशत सख्त पूरा दिखाई दे रही है, अच्छा, कितना प्रतिशत? नीतीश कुमार तो 1% नल जब घर घर में है ये नहीं है, कितना घर तो नल लग गया है लेकिन पानी उसमें जा रही है। अच्छा, पूर्व मुखिया बाबूलाल यादव, अच्छा, के द्वारा, अच्छा, आपका पंचायत ODF घोषित कराया गया था, नमल किशोर चौधरी को बुलाकर, अच्छा, इस दौरान, अच्छा, आपके पंचायत में मतलब तो ODF तो होने के बाद सोच तो रोड पे है, पहली काम, दूसरी काम सोच जो भी शौचालय बना हुआ उस पर 2-3 हज़ार घूस लिया गया है आपके ग्राम सेवक के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम तो कहेंगे ये कि हम महिला सीट है और महिला लड़ रहे हैं, हम खुद अपने से हम काम करेंगे, वहाँ पति के जाने नहीं देंगे, हम पति हैं ठीक है उनके हम बात मानेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं मानेंगे, लेकिन घर में उनके घर के मामला है, घर में हम समेटेंगे भले, लेकिन बाहर हम समाज में हम उनके नहीं आने देंगे, खुद हम अपने से काम करेंगे। जो शौचालय में गड़बड़ी हुई है, घोपला हुई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? उसके बारे में हम पहले मुखिया हम बनेंगे तब ना कुछ कहेंगे। बनती हैं तो क्या करती हैं? बनेंगे तो हम घर घर में शौचालय देंगे जरूर, गरीब आदमी के देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ हमको देना जरूरी है। अच्छा, आपका पंचायत जो देवलिया पंचायत की, तो रामगढ़ या मोहनिया स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में जाना होता है, अगर आपके जीत जाती हैं तो देवालिया वासियों को, मतलब पंचायत वासियों को स्वास्थ्य की व्यवस्था में क्या क्या मुहैया कराएंगी आप? पहले हम शौचालय बनाएंगे,
और हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और देखिए गांव में एक भी लाइट नहीं है पंचायत में, रोड देखिए सारा रोड अंधार है, एकदम अंधेरा छा गया है। तो पहले हम रोड पर लाइट लगाएंगे, कहीं लाइट नहीं है, कहीं आप जाइएगा तो कहीं गड्ढा में गिरेगा, आपके ठेवना होना घुटना उठा कुल टूट जाएगा, इतना रद्दी पंचायत हो गया है। आपका ग्राम पंचायत कितने राजस्व ग्राम का है? छह पंचायत है। मुखिया जी, चुनाव की तैयारियां जब आप शुरू की, कई प्रत्याशी आपके बीच में हैं, महिला प्रत्याशी हैं आप, क्या सोचकर आप चुनाव में आई, क्या आपकी सोच कैसे और किस तरह से आप चुनाव में आ गई? देखिए हम यहाँ तो महिला सीट है, हम सोचे महिला सीट है तो कम से कम महिला जीते और महिला ईमानदारी से काम करें, ब्लॉक में पंचायत से लेके ब्लॉक तक भी महिला जाए, मुद्दा हमारा ये है। बात करते हैं अब युवाओं की, युवाओं के लिए क्या सोचा आपकी? देखिए हम घर घर में जाते हैं, घर में जाकर हम बोलते हैं कि हम महिला सीट है और महिला प्रत्याशी चुनिए, इसलिए प्रत्याशी महिला चुनिए कि सारा समस्या महिला के हल हो के। बात महिलाओं की नहीं, बात युवाओं की करते हैं, क्योंकि युवा भी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डियां माने जाते हैं और देश के भविष्य हैं युवा, उन लोगों को, युवाओं के लिए क्या सोच रखी हैं आप अपने पंचायत में यदि चुनाव आप जीतती हैं तो? यदि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम सोचते हैं कि पंचायत को एकदम इतिहास के हम बदल दें। जैसे कि आपके हाथ में बच्चों के पहले तो हम स्कूल में एडमिशन कराएंगे जी, और बच्चन के हम राशन पताई जो मिलता है खाने के लिए उसको हम पूरा ईमानदारी से देखभाल के हम करेंगे, दिलाएंगे पहले हाथ में उसको। ये तो अंडर 18 की हो गई, ओवर 18 के क्या करेंगी क्या, जिसमें खेल की मैदान साल से ऊपर हो प्लस ये चीज नहीं है आपके पंचायत में? मैदान में हम ये करेंगे कि हम पहले तो फील्ड में जाएंगे डेली, सुबह हम फील्ड में डेली जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि किसका बॉल है कि नहीं, हर चीज़ के हम देखेंगे पहले वहाँ, और देख कर उसको हम खरीदेंगे और सब बच्चन को हम देंगे खेलने के लिए कि जिससे हमारा देवलिया पंचायत के नाम आगे बढ़े और बच्चन लोग सब खुश रहें। सबसे पहले बात करते हैं, आप महिला हैं, महिला सीट भी है, चुनाव की तैयारियां पिछले बार भी आप की थी, उप विजेता रही हैं आप, बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि यहाँ पे शिक्षा की बात, वो भी महिलाओं की, छात्राएं यहाँ पे शिक्षा के लिए कई जगह जाती हैं, यदि आप मुखिया बनती हैं तो उन छात्राओं के लिए क्या करेंगी? उन महिलाओं के लिए यहाँ पे देखा जाता है कि शिक्षा का काफ़ी अभाव रहता है छात्राओं को, यदि आप चुनाव जीतती अपने पंचायत के लिए उन छात्राओं के लिए किस तरह से शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त करेंगी जो कि वो बेहतर तरीके से छात्र यहाँ से पढ़ाई करें और बेहतर तरीके का पोस्ट पे जाएं? पहले तो हम स्कूल में जेबे करेंगे, हर टीचर से बात करेंगे, जितना वहाँ टीचर रहेंगे गांव-गांव में, हर गांव में 6 गांव में है ना टीचर, सबसे पहले बात करेंगे कि सही ढंग से बच्चन के पहले शिक्षक दीजिए। चलिए हम बात करते हैं, अब चलते हैं आगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर। कोरोना काल में COVID-19 में प्रवासी मजदूर आ रहे थे, पिछले 5 सालों में आपने लगातार जनता में काम भी किया है बिना कुछ रहे हुए, उन COVID-19 में प्रवासी मजदूर आए यहाँ पर, उन लोगों के लिए आपने क्या किया, मदद की है? देखिए हम मदद कुछ तो हम राशन बटवाए अपने पंचायत में, हम देखार राशन नहीं बटवाए हैं, हम अंदर इसलिए देखार नहीं दिए हैं कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी के यदि हम सबके सामने हम देंगे तो उनको बेइज्जती होगा, इसीलिए हम उनको गुप्त रूप में हम दान किए खाने के लिए। उन मतदाताओं से, उस जनता से क्या अपील करेंगी आप? उन मतदाताओं से हम ये कहते हैं कि भैया 5 साल तो हम आपके यहाँ गए कल बने घर में, और घर घर में जा कर हम ये कल बने कि यदि हम मेहनत कर ले होकर तो
तो हमके एक बार मजदूरी दी, मजदूरी जब हमके मिल गई तो पहले तो हम मजदूरी यदि हम मिल जाए तो हम वादा करते बनी कि जो भी सरकारी योजना आएगा उसे हम ईमानदारी पूर्वक से हम लागू करेंगे, जिससे गरीब लोग के फायदा हो, जिससे गरीब लोग के फायदा होगी। बात करते हैं मुखिया जी कि कोविड-19 में प्रवासी मजदूरों को